को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा रेस्ट हाउस सोमवार के दिन पहुंचे और कांग्रेसी पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बोले कि कई मामलों में मोदी अच्छे हो सकते हैं, परंतु आर्थिक नीति के रूप में मोदी जी का प्रशासन विफल रहा है। लोगों के व्यापार चौपट हो गए हैं, उद्योग लग नहीं रहे हैं, बल्कि लगे हुए उद्योग भी बंद हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि हमारी आबादी 135 करोड़ है, 2 करोड़ लोग हर साल बढ़ रहे हैं, तो कम से कम 50 लाख रोजगार हमें हर साल चाहिए ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो कारखाने चल रहे थे वे छटनी कर रहे हैं, किसी ने 20% तो किसी ने 30% लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कई कारखानों की बंद होने की नौबत आ गई है और तो और 5000 उद्योगपति इस देश को छोड़कर विदेशों में जा चुके हैं। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ के लोग उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित हों, वहीं बाहर के लोग भी आकर यहाँ उद्योग स्थापित करें, तब तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरताज सिंह ने अपनी बात को बढ़ाते हुए ये भी कहा कि एक सबसे बड़ी समस्या है जो 1-2 साल में आने वाली है। आप जानते हैं कि नौजवान जो बेरोजगार होकर घूम रहा है, जब उसका आक्रोश इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से फूटेगा तो विस्फोट होगा। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो खतरनाक है। अतिवृष्टि होने पर खराब हुई फसल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह ने कहा कि फसल मुआवजा देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, हमेशा देते रहे हैं, अभी भी देंगे। समस्या केवल इतनी है कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की उचित नहीं है और आर्थिक स्थिति में केंद्र भी सबल नहीं है कि सब कुछ दे दे, लेकिन जो भी बन सकेगा दिया जाएगा और अधिकतम ही दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी बलराम पटेल, सुधीर पटेल, संजीवन रघुवंशी, मुकेश रघुवंशी, अजय पटेल, रोशन कावड़े, बसंत रघुवंशी सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। बहुत स्पष्ट बता दिया कि जो मोदी जी की अच्छी उपलब्धियां हैं उनके संबंध में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन आर्थिक नीति के रूप में मोदी जी का प्रशासन विफल रहा है। लोगों के व्यापार चौपट हो गए हैं, कोई उद्योग लग नहीं रहे, बल्कि लगे हुए उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नए नागरिक बनते हैं क्योंकि हमारी आबादी 135 करोड़, 2 करोड़ लोग नए हर साल आते हैं, तो कम से कम 50 लाख रोजगार हमको हर साल चाहिए ताकि जो नए आने वाले हैं उन पर भी कुछ व्यवस्था हो जाए। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो कारखाने चल रहे थे वो छटनी कर रहे हैं, किसी ने 30% घटा दिए, किसी ने 20% घटा दिया, कोई कारखाना बंद होने की नौबत आ गई। और जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग 5000 उद्योगपति इस देश को छोड़कर विदेशों में जा चुके हैं, तो हमारी नीतियाँ ऐसा होना चाहिए कि जब जो उद्योगों को प्रोत्साहित करें, बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर उद्योग खोलें, इस बात के लिए प्रोत्साहित हों, तब तो रोज़गार क्रिएट होंगे। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो साल 2 साल में आने वाली है, आप जानते हैं कि नौजवान और बेरोजगार होकर घूम रहा है, तो जब उसका आक्रोश इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से विस्फोट होता है तो देश की क्या स्थिति होती है आपको इस बात का अंदाज है, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अति वर्षा हुई है इस वर्ष और इसका असर जिले में भी पड़ा है, होशंगाबाद जिले में किसान भी फसल बहुत ज़्यादा खराब हुई है, किस प्रकार की राहत किसानों को देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, हमेशा देते रहे हैं, इस बार भी देंगे। समस्या केवल इतनी है कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की भी ठीक नहीं है और आर्थिक स्थिति में केंद्र भी इतना संभव नहीं है कि सब कुछ दे दे, लेकिन फिर भी जो कुछ बन सकेगा दिया जाएगा, अधिकतम दिया जाएगा, ये कुछ प्रयास होना चाहिए और होगा।